आज हम बनाने वाले हैं वेज कोल्हापुरी, और उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मिक्स भाजी लेंगे हम, 100 ग्राम बीन्स लेंगे, इसे टुकड़ों में कट करके रखेंगे। एक गाजर को हमें कट करके रखना है। 3 कलर के शिमला मिर्च लेंगे, ग्रीन, येलो और रेड, इसे आधा आधा लेना है। 100 ग्राम हमें फ्लावर लेना है। 200 ग्राम हम पनीर लेंगे। सूखे मसाले में हम 6 लौंग लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, आधा जावित्री, 1 स्टार फुल, 2 तेज पत्ता और 10 हम कश्मीरी सूखी मिर्च लेंगे। 2 आलू लेंगे, इसे कट करके पानी में रखना है। आधी कटोरी हम मलाई लेंगे। आधी कटोरी हमें हरे मटर लेना है। 6 से 7 काजू लेंगे। 1 टीस्पून चारुली लेना है। 1 टीस्पून खसखस लेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लेंगे। 1 मीडियम साइज का हमें लहसुन लेना है। 8 हरी मिर्च लेंगे। 1 टुकड़ा अदरक का लेंगे और 2 टमाटर लेंगे। 1.5 हम प्याज लेंगे, इसे लंबा कट करेंगे, और 1 अलग से प्याज लेंगे, 1 इसे हमें चॉप कर कट करना है। 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून अखा धनिया लेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और वाइट पेपर लेंगे। 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे। 1/2 टीस्पून बड़ी सौंफ लेंगे। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। सब में पहले हम कोल्हापुरी मसाला तैयार करेंगे। गैस पे पैन रखी हूँ, पैन हमारा गर्म हो चुका है। सूखे मसाले सारे डालते जाऊंगी इसके अंदर। धनिया ऐड करेंगे, जीरा डालूंगी, बड़ी सौंफ डालेंगे, ब्लैक पेपर डालूंगी। गैस को हमें कम ही रखना है और बाकी के सूखे मसाले सारे ऐड कर दूंगे। इसे हमें बारीक आंच में भून के लेना है। 1-2 मिनट तक भूनेंगे, इसके बाद में इसे निकालेंगे। मसाला हमारे भून के तैयार हो चुके हैं, इसे निकाल दूंगी प्लेट में और इसे ठंडा करेंगे। फिर से वही पैन रखूंगी गैस के ऊपर। हमें खसखस, चारोली, काजू, इन सबको भून के लेना है। ये सारा डाल दूंगी और 2 मिनट तक इसे भी बारीक आंच में अच्छे से भून के लेंगे। काजू खसखस भी हमारा भून के तैयार है। इसे मैं वही प्लेट में निकालूंगी जो पहले मैंने सूखे मसाले निकाली हो। और फिर से पैन रखूंगी गैस के ऊपर। थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को हमें 2 मिनट तक अच्छे से हल्का ब्राउन कलर होने तक भून के लेना है। चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून के लेंगे। सारे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। अभी मिक्सी पॉट में सारे मसाले डालती जाऊंगी मैं। साथ में प्याज भी ऐड कर दूंगी। साथ में इसमें लहसुन, टमाटर, मिर्ची और अदरक ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से हम बारीक पीस के लेंगे। कोल्हापुरी मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। इसे रख देंगे और सब्जियों को फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने टोप रखी हूँ, इसके अंदर तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं एक एक करके सब्जी इसमें ऐड करके फ्राई करते जाएंगे। पहले मैं फ्लावर डालूंगी इसके अंदर। फ्लावर को फ्राई करके निकालेंगे। फ्लावर हमारा फ्राई हो चुका है, बस इसे कच्चा पक्का ही हमें फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसे मैंने जाली में निकाली हूँ। अभी इसे प्लेट में रखती जाऊंगी और दूसरी सब्जी ऐड करूंगी इसमें। पनीर डालूंगी मैं। पनीर को भी हम हल्का ब्राउन करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे। सारी सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसे निकालेंगे और वेज कोल्हापुरी बनाना शुरू करेंगे। गैस पे टॉप रखी हूँ मैं, इसके अंदर तेल ऐड करूंगी। और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं सूखी मिर्च ऐड करूंगी 3, और तेल के अंदर इसे भूनेंगे और निकाल देंगे।
ये हम ऊपर गार्निश के लिए तैयार करेंगे सूखी मिर्च। हल्का सा भून के लेना है और फिर इसे निकाल देना है। और इसी के अंदर मैं अभी प्याज ऐड करूंगी, चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। और प्याज को हल्के से ब्राउन करेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे कोल्हापुरी। और प्याज के साथ में अच्छे से भून के लेंगे मसाले को। लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हमें 5 मिनट भूनना है और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मसाला भून के लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते मैंने मसाला भून के लिया है और इसमें अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हल्दी पाउडर मिलाएंगे। साथ में हल्दी पाउडर डालूंगी, मिला देंगे इसे। साथ में हरा धनिया भी डालेंगे कटा हुआ। मिला देंगे। अभी हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई को भी अच्छे से मिला देंगे मसालों के साथ में। मलाई भी अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों के साथ में और मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे, जो हमने फ्राई करके रखी सब्जी सारी डाल देंगे इसके अंदर। और साथ में हरे मटर भी डालेंगे। मेरे हरे मटर फ्रीज किए हुए हैं, इसके लिए मैं इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही डालूंगी मैं। मिला देंगे मसालों के साथ में सब्जियों को अच्छे से। मसालों के साथ में भून के लेना हमें 2 मिनट तक सब्जियों को अच्छे से। सब्जियां हमारे अच्छे से भून चुकी है मसालों के साथ में। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 छोटा कप पानी डालेंगे। मिला देंगे इसे, अच्छे से मिलाने के बाद ढक्कन से ढक के हमें 10 मिनट पकाना है धीमी आंच में। ढक्कन से ढक के इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके, ढक्कन को हटाऊंगी मैं। सब्जी हमारी तैयार हो गई है, एक बार चम्मच से चलाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी, 1 नींबू का रस है ऐड कर देंगे इसमें। मिला दूंगी इसे। और साथ में मैंने कोयला गरम करने रखी हूँ, हम कोयले का फ्लेवर देंगे इसे।
तो कोयला हमारा गरम हो चुका है, अभी मैं एक कटोरी रखूंगी इसके अंदर, बीच में रखना है हमें, और इसके अंदर कोयला रख दूंगी। थोड़ा सा बटर डालेंगे और ढक्कन से ढक के पकाएंगे एक 5 मिनट तक। कोला पूरी हमारा बनके तैयार हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और एक कटोरी को हटा देंगे। और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम। कोयले का धुआं देने से सब्जी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है, ये इसे आप जरूर ट्राई कीजिए इस सब्जी को। और ऊपर से हम मिर्च रखेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। वेज कोला पूरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।